रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ फिर से एक नई स्वीट डिश शेयर करने जा रहे हैं जो हम लोग घर में बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। और आपको ये चीज़ें देखकर लग ही रहा होगा कि ये बच्चों के लिए चीज़ बनने जा रही है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, ये टूटी फ्रूटी स्वीट ब्रेड है। तो ये इंग्रेडिएंट्स तो सामने रखे हुए हैं, लेकिन एज़ यूजुअल बताएंगी अम्मी। अभी वो आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे झटपट बना सकते हैं और आपके बच्चे इसको बड़े शौक से खाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे और अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ ज़रूरियात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बच्चों के लिए स्वीट ब्रेड बनाने जा रहे हैं, तो हम दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या क्या डलेगा। सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें खमीर। ये हम हमने हल्का सा नीम गर्म पानी लेके रख लिए, तो इसमें हम डाल रहे हैं ये बड़े 2 चम्मच जो है खाने वाले इसके खमीर के। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा यानी ½ टी स्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद थोड़ा सा बीच में जाएगा सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा। सॉल्ट जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे शुगर, वो जो जिस चम्मच से खमीर डाला था उसके 2 चम्मच जो है हम शुगर ऐड करेंगे बीच में। अगर थोड़ी सी ज़्यादा मीठी बनानी है तो उसको थोड़ा सा ½ चम्मच हम और डाल देते हैं। इसके बाद जाएगा बीच में ये 2 चम्मच बड़े जो हैं कि मिल्क पाउडर है, ये जाएगा। इसके साथ 1 कप हम इसमें डालेंगे मैदा। ये तकरीबन अंदाजे से हम डालेंगे 1 कप मैदा। अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए पानी के हिसाब से तो इसको हम कर लेंगे। अब हम इसको करेंगे मिक्स। ये देखिए मैदा भी हम लोगों ने कर दिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे कि ये अच्छी तरीके से जो इसमें खमीर डाला हुआ है उसकी वजह से ये अच्छे से फूल जाए, और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आगे हम लोगों ने अब इसको कैसे बनाना है और क्या करना है। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हम डाल के रखेंगे ये टूटी फ्रूटी और किशमिश। इसको करेंगे मिक्स, हल्का सा लगाएंगे हाथ पे ऑयल। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह। इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे क्योंकि बच्चे ऐसी कलरफुल चीज़ें देख के बहुत खुश होते हैं। ज़ाहिर है जब हम अपने लिए हर चीज़ बनाते हैं तो हमें बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसको हम ऐसे करते जाएंगे। इसके बना के इसके वो जो बीच में हवा भरी होती है वो निकलेगी, तो फिर साथ में ये जो बीच में डाली हैं चीज़ें वो हो जाएंगी। हाथों को थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाना है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जिस चीज़ में बनाना है उसमें हम इसको ऐसे रख देंगे। ये कहाँ इसमें हमने सेट कर दिए। ये बिल्कुल बराबर इसके साथ। ये देखिए हमने इसको सेट कर दिए। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए फिर रखेंगे, थोड़ा सा और ये फूलेगा तो उसके बाद हम ओवन में इसको रख देंगे। चले फिर हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये देखिए जी हमारी ब्रेक होगी ख़त्म। और ये देखिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा जो मैदा था वो स्वीट ब्रेड के लिए तैयार हो चुके हैं। इधर हमने अपने ओवन को भी दे दिए। तो अब इंशाल्लाह ताला अब हम रखते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि भी कितने टाइम में ये बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए अभी हम रखने लगे हैं। ओवन में आ चुका है। ये देखिए देखिए अभी हम ब्रेड को चेक करेंगे कितनी हो गई। माशाल्लाह हमारी ब्रेड देखिए जी इतनी फूल चुकी है। अब ये बातें अभी हम आके इस पे ब्रश करेंगे। देखिए जी इसका कलर भी देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और ये देखिए हर तरफ से आपको दिखा रही है, कोई पासा रहे ना जाए। कर देंगे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बना के आप घर में रख भी सकते हैं 2-3 दिन के लिए, क्योंकि बच्चे किसी टाइम पे भी अगर कोई चीज़ मांग ले तो घर की बनी हुई चीज़ जो है हमारे पास मौजूद होगी तो हम दे सकते हैं। चले हमारा ब्रश हो गया। ये देखिए जी ब्रश के बाद इसको फिर दोबारा इसको इसकी जगह पे रखेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह गरम निकाल के अभी सेट तो नहीं हुई लेकिन गरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इसको अभी ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर बहुत खाएंगे। सेट होने के बाद मतलब माशाल्लाह इसकी कटिंग कैसी आती है।